इस बेंच पे तो खड़ी हो, दूसरी पे जाकर बैठ। मैं तो यही बैठूंगी। खड़ी हो जा, नहीं तो। नहीं तो बताऊं? बताइए। हैं, तन्नी मेरे चाटा मारा। उई। क्या शोर मचा रखा है ये? मैडम मैडम, वीरू ने जस्सी के चाटा मार दिया। क्यों जस्सी, चाटा मारा? नहीं मैडम जी। बुल्ली तुम बताओ, तुम तो इसके नजदीक बैठे हो। मैडम जी, मैडम जी, वीरू ने मारा ना, बस मुंह ही गालो कुछ हुआ। खामोश, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। इधर आओ और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तुम भी। मैं भी। हाँ हाँ, तुम भी। तन्ने मना क्यों करा? यह हमारी आपसी लड़ाई है। तुमने हाथ नीचे क्यों किए? मैडम, वीरू को खुजा लग रही थी। तो तुमने हाथ नीचे क्यों किए? मैं खुजा रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। चलो हाथ ऊपर करो। इस बार हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। जस्सी, वीरू तेरे से इतनी बदतमीजी करे, तब भी तू छुपाती रहवे, के बात है? तू नहीं समझेगी सुधा, ये मेरी मियाओं की मजबूरी है। मियाओं की? मियाओं? हाँ, ये कमबख्त दिल। चलो सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल लो, और तुम दोनों, अब ये दोनों कहाँ मर गए? पेट तो भर गया, अब थोड़ा सा आराम कर लिया जावे। अबे ये टिफन, टिफन धर दे सबके बस्तों में, हालांकि खीर पूरी। आज तो खीर पूरी लेके आई हूँ। बस तो आज खीर पूरी ही खाई जाएगी, आज छुट्टी होने दे, बस से पल्ली क्लास में रखे हैं। कोई शोर मत करना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, तो दोनों शैतान यहाँ पर सोए हुए हो। तुमने तो हद कर दी, मैं तुम दोनों को अपनी क्लास में नहीं रख सकती। थैंक यू मैडम, हम तो खुद भी क्लास में बैठने को राजी ना। चुप बदतमीज, कल तुम दोनों अपने घर से किसी को बुला कर लाना, नहीं तो तुम दोनों कल से स्कूल नहीं आना, समझे? मरवा दिए भूरी बिल्ली ने। अबे बिन्नू ना बैठे, अब यह सोच कि कल की कैसे होगी, घर वाले तो तड़ की तड़ चलता कर देवे, हम कहाँ जाएंगे? अरे मेरी समझ में तो नुआरा, इस मामले को जय संभाल सके, अगर मान जाएगा तो। मान जाएगा? अरे मानेगा, मानेगा क्यों ना मानेगा, जय भाई है मारा, और देख न मानेगा तो मनवाएंगे। सुधा, पता नहीं कौन सा छूट रहा बेशर्म कहीं का, रोज सारी रोटी खा जा। मैं तो कहूँ जो भी हमारी रोटी खावे उसके दस्त लग जाए, हैजा हो जाए, कब्ज हो जाए, भगवान करे उसके कच्चे में लिगड़ जाओ। रेंदे रेंदे, घनी बकवाद ना करे, रोज सूखे टिक्कड़ ला रही है, और देखे बद्दुआ तो ऐसे दे रही है जैसे कि रोज पकवान लाती हो, हलवा पूरी लाती हो। तो तेरे पे क्यों जोर पड़ रहा, मैं कौन सा तुझे कह रही, मैं तो उसे कह रही जो हमारा खाना खा जावे, वैसे कभी हमारा टिफिन देखा राल टपक जाओगी राल। रोज खा रहे हैं रोटी टिप्पण खोल के, अपने अपने टिप्पण खोल के अपने। बस्ता तो कभी लाते ना, फिर टिफिन काय में लाए करो। टिफिन यू पड़ा, बस्ता यू पड़ा, यू की पड़े तेरा लाल। थारी तो आदत है बात बनाने की, तुम्हें पता कितना काम करे वो। और तड़के से जा रहा, कुछ खा के भी नहीं गा, भूख का ही फिरता होगा। हाँ यू तो कतई ठीक कह रही, ये दोनों भूखे रह रहे के ही तो सांड पड़ गए। माँ जय कहाँ है? अरे क्या है, जय जय जय, कुछ खा पी ले। और नू बता, छे छे टिफिन मंगा रखे, रोटी एक दिन नहीं ले गया तू। तू रोटी की चिंता मत करे, नू पता जय कहाँ, रोटी तो सभी लावे। अरे उसे खेत में छोड़ गया था मैं, वो कौन सा घाट है, आता होगा पीछे पीछे। अरे सुनता हो वीरू, अरे रुक तो, माल है समझी कुछ है? के? यू जो रोटी पानी छोड़ के और जय को ढूंढता फिर है, राड है कुछ ना कुछ।
भाई थक गए भाई, अब बस की नहीं है भाई। युवाली भला भला धक्का गाड़ी में भी लगाएगा अब। क्यों तू मामा लगाया मेरा? रुक जाओ, मैं देखूंगा इसे। झटपट मारा पिट्टी पहले करते बाद में करते बक बक।
हम दोनों हैं, हम दोनों हैं, हम दोनों हैं नटखा। अरे भाई सो गया के? ओए, अरे सुन क्यों ना देता है? मैनू याद दोबारा तड़की स्कूल में आना है, तड़की आना है ना। अब क्या बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। फिर सुन क्यों ना देता है? नींद खराब कर लग रहा। जब कह दी ठीक है आ जाऊंगा आ जाऊंगा, काम तो कुछ है ना, चल रहे तड़की स्कूल में उठ के। अरे के को सिर पर सिर तो ओ गधे के बच्चों, सुनो सुन दे मुझे। ओए अरे सुन, ये तू अगर अपनी इज्जत पहले लेना चाह रहा है ना तो ये पकड़ 100 रुपए, 50 मेरे और 50 बुल्ली के। ये पहले से ना दे सके था हैं, अब लोग तो काम हो जाता। अरे पंचाओ तो तड़की तड़की जाना मुझे खेत में, पढ़ ना दे। सभी बच्चे ये ट्रांसलेशन करके दिखाएं। जी मैडम। और तुम, मैंने घर से किसी को बुला के लाने के लिए कहा था, लाए हो? जी बड़ा भाई आओगा। क्या जी? मेरा मतलब बड़े भैया आ रहे हैं। और बुल्ली तुम्हारे घर से कौन आ रहा है? जी मेरे बारे में उनसे ही बात कर लियो। क्या मतलब? मतलब के यू बेटा तेरे बस की ना आयु सांग, बैग गेयर लगा ले और उल्टा हो ले। यार 100 रुपए लिए हैं, झेलना ही पड़ेगा मामला। अरे वीरू ते मिलना है। वीरू कौन? कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? बारहवीं में। बारहवीं में? अच्छा तुम वहां बरामदे में जाके बैठो, मैं लाऊं बुला कर। ठीक है ठीक है। कह दिए जे आ गया, कोई चिंता नहीं है। देखो बेटा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे? इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, ठीक है? और हाँ, क्लास में शैतानी नहीं करना, अगर आप शैतानी करोगे तो मैडम आपको डांटेंगी, ठीक है? अब आप जाओ। तुम कितने पैसे लेके आई हो जी? जी मगा इस काम की निया, शिकायत की निया, क्या पैसे लेके आई हो? वैसे इन मैडमों की अगर मानना लगे तो पढ़ लिए बालक, खुद तो सारे दिन ये बात करें हैं? बालकों की पढ़ाई की हो, सूटर वूटर बुनती रहे, अपना टाइम पूरा करें, गवर्नमेंट तनख्वाह देवगी? अरे आड़ दंगा बालक ना करेंगे तो बुढ़े करेंगे के हैं? इसलिए मैं तो 100 रुपए लेके आया हूँ। है बताओ मैडम। हाँ हाँ मैडम, धोरे भी चलेंगे, कुर्सी का हिंडोला बना रखा होगा, लग रही होगी झुल्लन, सारे पेज ढीले कर रखे होंगे कुर्सियों के हैं? जाई तो हमारी मैडम। आई आई है मैडम तो के फांसी तोड़ेगी हैं? मैडम अजीत पहले क्यों ना बताई तुमने, तमी मैडम हो तुम? रुके हो तब ना, कहीं ब्रेक लिया तुमने? वैसे कुछ गलत तो ना कह दिया जी हमने? नहीं नहीं, तुमने तो सारा सही कहा, हम पढ़ाते कहाँ हैं, हम तो कुर्सियों पर झूला झूलते हैं। अजीत अब सब थारे जैसी थोड़ी हैं। ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, तुम्हारा ये भाई बिल्कुल पढ़ता नहीं है। अजी हम तो इस पे कुछ करवाते भी ना है, सारा दिन पढ़ने की क्या है? अरे मैडम जी क्या कह रही हैं? पढ़ता क्यों ना है? पता है कल इसने क्या किया जी? इसने दुबे जी की कुर्सी का पाया तोड़ दिया और गिल्ली डंडा खेलने की कुर्सी का पाया तोड़ दिया। अरे 100 रुपए। वैसे भी जी आजकल लकड़ी जो है ना बिजी बाजी से आ रही है, कल ही की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं कल अपने खटोले का पावा दुकड़िया के कुंडे में लटका के झूलने की कोशिश कर रहा था, तैर देनी टूट गया हैं? और ये बेंच तोड़ना, स्टूल तोड़ना, ये तो छोटी मोटी बात है। जब हम पढ़े करे थे तो मरी और छपकली मास्टर की जेब में घेरते करे थे, फिर तो नहीं उछलता है ये सब छोटी। तू बड़ा हो गया अब है। और वैसे जी हम दोनों भाई है भोसू से।
वो तो देखकर ही पता लगता है। वैसे मैडम जी अगर यूं ना पढ़े तो इसकी खूब पिटाई करियो, हम न्यू भी नहीं कहेंगे के करा। वैसे पिटाई की जरूरत ही ना पढ़ने की, खुद पढ़ लेगा, ठीक है जी। और हाँ कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बताइयो, मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है अब आप जाइए। वो मैडम जी जो बात मैंने वीरू की निया कही है ना, वही तुम बुल्ली की निया भी समझियो, इसका भी वारिस मैं ही हूँ और इसका भी खर्चा बराबर का होया है। वीरू तुम्हें कोई और नहीं मिला था बुलाकर लाने के लिए, वो तुम्हें क्या समझाएगा, वो तुमसे भी ऊपर वालों में से है, कल किसी और को बुलाकर लाना। जी बीरू, अरे क्या बता गया आधी रात में? यार एक बात पूछनी थी। चुप सो जा तड़की, पूछ लिए। सुन यार बात ही कुछ ऐसी है, पूछ। देख यार तू कुछ गलत मत समझिए। अरे पूछेगा भी। वो यार तेरी मैडम का ब्याह हो गया? अरे सो जा तू, मेरे पहना है उसके ब्याह का कारण। अरे क्या हो रहा, क्यों सा जो? कुछ ना सपना सा दिख रहा था। बता दे यार। नहीं हो जाएगा भैया, जिस दिन ब्याह होगा तेरे पर चिट्ठी आ जाएगी, सो जा। कुछ भी हो यार तेरी मैडम है गजब की। तो पिताजी को बता दूंगा मैडम सुंदर है। अरे रात के 2 बज रहे हैं, अरे सोन क्यों देता है? 2 तो कल भी बज रहे थे बच्चे। पहला प्रश्न बताओ, सूरदास का जन्म कब हुआ था? अजी गुरुजी, उनके जन्मदिन को तो घने दिन हो लिए, और जब कोई जन्मदिन भी ना मनावे हाँ फिर याद कैसे रहने? पूरा दिन आवारागर्दी करते हो, पढ़ाई का नाम नहीं लेते हो, तुम बताओ वीरू। गुरुजी किताब में तक दो समझ में नहीं आ रहा, वो पूछना पहले। हाँ हाँ क्यों नहीं, के समझ में नहीं आ रहा? हो गया कांड। मच्छर दिन में भी काटते हैं क्या? सूरदास तारों को भूल जाएगा। अजी गुरुजी, ये तुम कौन से गाने पे नाच रहे हो? यू गुंगा डांसर। अजी तुम कहो तो गाना हम गा देवे। खट्टे खट्टे मजाक उड़ाते हो मेरा। हम तो गाना गा रहे थे गुरुजी, जिससे थारा पांव ठीक से उठे। चल याद करके आना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। क्या हुआ दुबे जी? वीरू, वीरू, इस लड़के से तो मैं भी हार गई हूँ। बुल्ली इसके पिताजी से कहना कल मुझसे स्कूल में आके मिल ले। पर मैडम वीरू के पिताजी को तो बुलाना, मारा तो कोई खर्चा ना। चुप। होम साइंस की सभी लड़कियां ग्राउंड में चली जाएं। सब अपनी रोटियों का ध्यान रखना, यहाँ सान भूत प्रे हैं। मैं तो कहूँ जो भी हमारी रोटी खावे ना उसे दस्त लग जावे। अरे रोक दे बुल्ली। वीरू। अरे रोक ले। रोक ले। अरे रोक ले। अरे रुक जा जल्दी। देख ले रोक ले। रुक जा वीरू, रुक जा। थामने दे। रुक जा। बाबा अपना जो तू सोचे रुक तो सही, हमारी सुन ले। अरे मेरी अरे सुन ले मेरी। पहले नहीं बता सके थे।
जा बेटे पानी ले आइए ट्यूबवेल पे थे। जी मैं केले ना आया था। ये लीजिए पिताश्री। क्यों मंगाया था मैंने? बावड़ा हो गया। अरे पानी मंगाया था पानी। तो इसमें इतने गुस्से की क्या बात है? मैं अभी ले आता हूँ। और सुन, वहाँ तो जा ही रहा, कोठड़े में तो रोटी भी लेता आइए। जो आज्ञा पिताश्री। टिंग 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 टिंग। बेटे तेरी हरकत बता रही है कि कोई दूसरा कांड होने वाला है। रूप का नजारा ले चली आए, दिल वो हमारा ले चली। रूप का नजारा ले चली आए, दिल वो हमारा ले चली। रूप का नजारा ले चली आए, दिल वो हमारा ले चली। रूप का नजारा ले चली आए, दिल वो हमारा ले चली। आगी, मैं तो तेरे धोरे आ रहा था। भैया ये क्या कर रहे थे आप? और कहाँ जा रहे हो? मैं तो वो मैडम की निया, वो मैं तो रोटियों के लिए पिताजी लेने जा रहा हूँ। रोटी के लिए पिताजी? पिताजी के लिए रोटी? ए भैया, बाबू तो ठीक है। बाबू? बाबू मारा मतलब है दिल। हा, 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 हा। पर तू कहाँ जा रहा है? मैं तो वो मैडम की। मैडम कहाँ है? मैडम है? मैडम है नहीं, मैडम ने बुलाया है। चल तो। पर भैया तुम्हें नहीं, वो तो पिताजी को बुलाया है। ओए क्या पिताजी के पिताजी को भी बुलाया हो? ना ना बस पिताजी को बुलाया। तू रपट जा, मैं तेरे कान के नीचे एक धर दूंगा। जब कह दी पिताजी पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, मैं भेज दूंगा पिताजी को। तुम कह रहे हो तो बस पहुंच ही जाएंगे पिताजी। दिख तो धुंधला धुंधला रहा है, पर यह सामी मैडम ही दिखे। शुरू हो जाता हूं। मैडम जी आप कितना अच्छा पढ़ाती हैं। मैडम मैं कहता हूं सभी टीचर अगर आप जैसे हो जाएं तो इस देश का कितना भला हो जाए, सभी बच्चे पढ़ जाएं। इन मास्टरों को भी सार्थक कुछ सीखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो बच्चे आपकी नहीं मानते वे कितने बड़े मूर्ख हैं। मैं वीरू का होनहार भाई। दादाजी नमस्ते। हैं दादाजी? हाँ दादाजी नमस्ते। दादाजी हाँ, मैं वीरू का दादा भाई, मतलब दादा का भाई हूँ। अच्छा, आप कुसुम मैडम से मिलने आए हो? हाँ जी। हैं? अरे मास्टर है? जस्सी आप इन्हें स्टाफ रूम में मैडम के पास ले जाओ। जी आइए दादाजी। वैसे दो बात मुश्किल से याद हुई थी, यू मास्टर पाया, पर आज मुझे मैडम भी नहीं पहचान सकती है ना। जस्सी असली दादा लग रहा हूँ ना मैं? क्यों असली दादा लग रहा हूँ ना मैं? दादा तो असली लग रहा हूँ, पर पता नहीं उसके सामने जातु के हो है, सब कुछ भूल जाऊं मैं। पर कुछ भी कह जस्सी, तेरी मैडम है बहुत सही। मैं आँख खोलूं तो वाई वाई दिखाई देवे, आँख बंद करूं तो सपने भी उसी के आवे। आज तो मन ने यहाँ आने के मारे पैसे भी ना लिए, बस उसके चक्कर में आया हूँ। तेरी मैडम के मारे बस अब तो हर टाइम। ये सब क्या हो रहा है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा स्कूल छुड़वाना चाहते हैं क्या? मैडम जी हम तो वो बस। तो आप ऐसा क्यों करते हैं?
मैडम जी ये है मेरे पिताजी और ये है तुम्हारे दादाजी, इनसे भी मिल लो। क्यों आया तू यहाँ? अरे मैं तो तेरी शिकायत के मारे आया। अरे मन ने अपना जुगाड़ खुद कर लिया था, पता ना आप क्या होगा। कौन है यू? भट्टे पे तो लाया पकड़ के। और ये लत्ते? लत्ते छतरपाल के हैं। तू किसके पैर रहा? बिरजू के। बिरजू? ओ बिरजू। हाँ तू बता के लेना आया? अरे आया तो काम था मैं, पर इतनी गर्मी में यू खेस? यू खेस? तेरा बड़ा छोरा तो मेरे लत्ते ले गया। अरे यू खेस? कहे तो यू कच्चा भी काट के दे दू। अरे शांति कर चौधरी साहब, तो नाश हो जा नाश। अरे क्या हुआ? क्या गजब हो गया चौधरी साहब? मेरे पे एक जोड़ी लत्ते थे हाँ? और थारा छोरा हाँ? छोटे वाला मेरे हाँ? लत्ते ले गया मांग के। ओ तेरा भला हो। अरे मेरा छोटा छोरा तो तेरे लत्ते ले गया हाँ? और बड़ा तेरे ले गया भाई हाँ? और थारे दोनों के धोरे एक एक जोड़े ही लत्ते थे, और तुम फिर के दानवीर बनो थे भाई। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। समझ में ना आई तुम्हारी? तुम्हें समझाया था कि कैसे बात करनी है, फिर भी गलती कर दी। जस्सी उसे देख के कुछ भी हो सके। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ना जस्सी ऐसा मत कहवे, मेरा ब्याह तो हो सके। वैसे मेरे आने के बाद मैडम ज्यादा नाराज हो रही थी। नाराज? अरे नाराज के भी फराज हो रही थी वहां। ओए तू चुप रह। अब कुछ तो बताओ उसे कैसे मनाया जा सके। मैं बता तो सकती हूँ, पर उसे देखकर तुम फिर भूल गए तो थारा के बिगड़ेगा, नुकसान तो मेरा ही है ना। मारा तो है ही ना, जब स्कूल में काटे जाएंगे जूते मार के। जस्सी तू रहने दे, घड़ी सलाहकार तो बने मत ना, पर वादा कहीं कहीं खड़ा खड़ा। यार भाई वीरू तू मेरा दोस्त है दुश्मन है? जस्सी तू बता। क्यों बोरी में मुगाडू खड़े? अरे आज मैं यू देख रहा, अब एक बोरी कम होगी। हाँ ये तो ज्यादा थी, कम क्यों कम? ये भी कम है। हे भगवान तुम भी ना बस। अरे भैया लड़की को एक फूल दिया जाता है, यह फूलों का गुलदस्ता, फूलों का टोकरा नहीं। ओहो ये ज्यादा हो गए। चलो कोई बात नहीं, साल भर के हिसाब से लगा लेगी। मैं रोज रोज गेहूँ कहाँ बेचूँ? चलो ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है। हाँ ये सब क्या है? फूल हैं जी, फूल। वो जस्सी वो सबने बताया जी, आप मेरे तक नाराज हो रही हैं। मैं इस मारे फूल ले आया, आप खुश हो जाएंगी। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं आपसे और भी ज्यादा नाराज हो जाऊंगी। अब कतई नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। तो ठीक है, आप ऐसी हरकतें ना करें। वो मुझे आपसे कुछ कहना भी है। मैं तेरा दीवाना हो गया। मुझे देखते ही दिल खो गया, मुझे जाने के हो गया। मुझे देखते ही दिल खो गया, मुझे जाने के हो गया। मैं तेरा दीवाना हो गया। जब
खबर मन में चल रही खुसर पुसर दिल में होवे टुकड़ टुकड़ चली नैन कटार हुए टुकड़े हजार चली नैन कटार हुए टुकड़े हजार दिल तेरा निशाना मैं तेरा दीवाना हो गया मैं तेरा दीवाना हो गया।